del país. Y el gobierno nos ha olvidado a todos. Todos los autónomos están quedando en el camino porque las ayudas que dan son pocas e injustas. Con un sector que lo da todo y que paga sus impuestos todo el tiempo para el crecimiento del país. No vamos a parar de luchar. Y tenemos que dejar claro hoy. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज दा मेन मकसद ये कि टैक्सी सैक्टर की मेजोरिटी 90% आटोनामो उत्ते डिपेंड करती है और इस आटोनामो वास्ते गवर्नमेंट की तरफों कोई आयुदा नहीं। करोना वायरस से इस जारी बात है पूरी दुनिया की इकोनमी नू बिल्कुल तबाह कर दिता है और सब नालों ज़्यादा इन्हें स्पेन के अंदर जिहड़ा इकनोमिक मॉडल है ये आटोनामो नू सब नालों ज़्यादा इसने तबाह किया और असं ये वेख रहे हैं कि मुसलसल पिछले 8-9 महीने तो मार्च तो लैके हुण तक गुआंतार कर रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं टैक्सी सैक्टर और हुण इसकी सख्त जिहड़ी है वह जवाब दे गई है। जहरी बात है बैंक ने और उन्होंने तरफों सारे ने टैक्सी जिहड़ी है वह करजे उत्ते लई होई है और उस करजे की मियाद जिहड़ी है मोरातोरियो वो भी खत्म हो चुकी है। जितना कि इस टाइम ओखा या मंथली इनकम टैक्सी सैक्टर कर रहा है उसके नाल जितने इसके एक्सपेंसिज ने गास्तों ने वो कुबरीर करना उन्होंने खर्चिया सिर्फ बर्दाश्त कर लेना यह बिल्कुल नामुमकिन है। ये बदले जी तार फरूक साहब ये दसो कि तुम की चाहते हो कि जो बैंक का मोरातोरी है एक्सटेंशन की जाए। बैंक का मोरातोरियो कम अज कम साल और डेढ़ साल तक जेड़ा ना उस दे अंदर एक्सटेंशन होनी चाहिए है क्योंकि जेड़े ये हालात नज़र आ रहे ने ये कोई अगले एक महीने में दो महीने में संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। मिनिमम 6 महीने तक तो गवर्नमेंट खुद जेड़ी है वो प्रोलोंग कर रही है एमरजेंसी नो इस तो उस तो बाद हालात बेहतर होने शुरू होने तो वास्ते एक टाइम पीरियड चाहिए। ये टाइम पीरियड 6 महीने के अंदर हल होने वाला नहीं कम अज कम साल तो डेढ़ साल का मोरातोरी होना चाहिए अदरवाइज ये सैक्टर बिल्कुल ही डुबने के करीब है। जी बिल्कुल जिस तरह पेद्रो सांचेस ने ऐलान किया है अप्रैल तक जी कर्फ्यू जेड़ा ला दिया गया पूरे स्पेन में टैक्सी के हालात खराब हो जाए। जी जाहिर बात है पहली दफा जो कॉन्फिनामेंटो लगी है उस तो बाद हालात बेहतर होने शुरू हो गए सन लेकिन जिस टाइम बार बार ये दोबारा दोबारा लॉकडाउन लगे उसके नाल काम के हालात ज्यादा खराब हुए हैं और हुण तीसरी दफा फिर जो लॉकडाउन और कर्फ्यू है ये बिल्कुल ही हालात जोड़े ने जमीन के नाल आ गए हैं और मेरा नहीं ख्याल इस तो अगे जेड़ा गवर्नमेंट की तरफों पहले भी कोई आयुदा नहीं 600 यूरो एक आटोनामो नूं दी गई है ये तो एक फैमिली वाला बंदा उसके घर का किराया भी नहीं दे सकता। इस वास्ते गवर्नमेंट जिस तरह बाकी शोबियां मसलन बस का शोबा है उन्होंने इन्होंने बतौर शोभा इन्होंने हेल्प किया टैक्सी सैक्टर वास्ते बतौर सैक्टर बतौर शोभा कोई हेल्प किसी की तरफों ना जनरलिता की तरफों ना वफाकी गवर्नमेंट की तरफों किसी गवर्नमेंट वालों नहीं आई किराए की माध्यम से गवर्नमेंट ने कोई हेल्प की है। दूसरा ये दसो कि IMT का की रोल बनता है सारे मामलात असं देख रहे हैं IMT बिल्कुल खामोश नज़र आ रही बुनियादी तौर से IMT जेड़ा है उस इदारे को इन्नी ताकत नहीं है। साड़ी ये बड़ी अरसे की कोशिश और ख्वाहिश है सारिया एसोसीएशन ये उत्ते कोशिश कर रही ने कि IMT नू वन विंडो बनाया जाए। हालात ये होंगे ने जिस टाइम असं कोई भी मामला IMT लैके जाने वो मामला वो कहते हैं कि फलां दफ्तर के मुतलक है ये फलां दफ्तर के मुतलक है यानी कि उन्होंने को इख्तियार कोई नहीं वह महज एक बैठे इदारा रेगुलेट करने वास्ते लेकिन उन्होंने मजीद अगर 10 इदारों नाल राबता करके उन्होंने मंजूरी लैके फिर वो कोई काम कर सकते हैं। जी दसो फरूख साहब 20% तक नज़र आ रहा बारको इस दफा बिल्कुल नहीं आए दूसरा जेडे एयरलाइन फ्लाइट बिल्कुल ना होते बराबर ने अंदाजा लाते हो किसेंट तक जो काम टैक्सी सैक्टर का खराब है। जी टैक्सी सैक्टर का जो काम है वो 80-90% जोड़ा वह डिग गया वजह है कि साढ़े मेन फुएंतेस दे इनग्रेस तो जिन्हों विचों साडा कम होंदा है वो टूरिज्म है टूरिज्म बिल्कुल तबाह है। जिस दिन का मार्च का कॉन्फिनामेंट तो लगी है टूरिज्म बिल्कुल नहीं है और वो आइंदा साल टेंपोरा दे तिकन बहाल होने दे उते कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। दूसरे साढ़े फुएंतेस दे इनग्रेसो ने जिदे विच बारकोस आउंदे ने
ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੈਨਸਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। दुरुस्त है। और जेड़ी आखिरी चीज़ है वह है कि साड़ा लोकल जेड़ा टैक्सी का कलाइंट है वह भी जितनी मुल्क में बेरोजगारी हो चुकी है और प्लस तुसी रेस्टोरेंट्स और बार बंद कर देंदे हो ते बाहर जिस बंदे ने कलाइंट ने टैक्सी किस वास्ते लैनी है? सिर्फ चंद मरीज रह जाते हैं, वो मरीजों का भी जेड़ा हस्पताल ने वो सिर्फ टेलीफोन या ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कोई मरीज भी फिजिकली ना आवे। इस वास्ते टैक्सी के काम जेड़ा तकरीबन 80-90% जेड़ा वो डिग चुके हैं। ते की समय दे तक आई दे इत्तेजाज दा कोई नतीजा निकलेगा? देखो असी आज तो कुछ साल पहले ऊबर जेड़ी है वो बिल्कुल फ्री चलनी शुरू हो गई थी बगैर किसी लाइसेंस तो, उसके खिलाफ टैक्सी सैक्टर खड़ा होया, एहतजाज किया, धरना होया, ठीक है बकायदा धरना होया, रेडर तक एक बड़ी लंबी जंग है जेड़ी असी लड़ी है, उसका नतीजा यह निकलिया कि ऊबर कम अज कम आज जेड़ी आज़ाद चलनी शुरू हो गई थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। प्लस VTC आई है, VTC के खिलाफ साड़ी मुसलसल जद्दोजहद की वजह तो अज वो रेगुलेट हुई है, उन्होंने अदालत ने 6 साल का अरसा दिता सी, 2 साल का अरसा पंदामिया तो वजह तो उन्होंने मजीद बताया है, लेकिन 8 साल फिर भी असी उन्हें बंद सर्कल के अंदर लै आंदा है, 8 साल एक मुद्दा तो अंदर उन्हें खत्म हो जाना है, ठीक है। ये अगर जदोजहद असी पहले दिन सोच के ना करते तो शायद ये कामयाबी ना होती। इस तरह ये जी जदोजहद अज शुरू हुई है अयोध्या इकनॉमिक कास के हवाले ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜ ਅੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਦੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਇਹਤਜਾਜ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੈਡਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਤਵੱਜਾ ਦਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੀਅਤਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਚ ਲੋਨ ਲਏ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਚ ਲੋਨ ਲੋ ਲਿਆ, ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
टैक्सी ड्राइवरों जिन्होंने टैक्सी जाती खरीदिया ने और लोन लिया उस लोन के उन्होंने कंसैशन दी जाए और उन्होंने साल डेढ़ तक अरसा और वधाया जाए जब तक हालात बेहतर नहीं होते तो बाकी गवर्नमेंट की तरफों जरा वो भी कोई ना कोई इन्होंने मदद दी जाए कि फैमिली ने आई एम टी का इस सारे मामले की रोल तुम देखते हो आई एम टी जीरो नथिंग नथिंग खामोश नजर आ रही है किसी भी हद तक साढ़े हूँ जोड़े असी पार इंपार या बार वर्किंग डे के जो कानून ने वो भी इंतरे आपस असं तंजीमें मिल किया कर रही ने आई एम टी बिल्कुल एक साडा मेन अदारा सू कंट्रोल करने वाला अदारा आई एम टी है लेकिन उसके बावजूद आई एम टी जी वो इस वे खामोश सुती पई है उन्हें बिल्कुल कदम कोई साइंटरफेयर साढ़े इतजा साढ़े वास्ते साडे असूल वास्ते और साढ़े जितने भी असी है साढ़े मुतालबात ने साडे मुतालबात वास्ते भी आई एम टी का कोई रोल नहीं दिखा अच्छा दसो कि बार्सिलोना के टैक्सी सैक्टर एक कानून है कि 10 साल बाद गड्डी चेंज करनी है जिस तरह के हालात जा रहे ने अगे एक साल एक्सटेंशन मिली है तुसी की चाहते हो मजीद एक्सटेंशन जी बिल्कुल मैं तो समझना कि ज़ारा जिस तरह के हालात ने बंदे को कोई पैसे ही नहीं है बंदे को कम ही नहीं जो कम साडा आवाम नाल है जो आवाम नहीं होगी तो साडा कम कितों चलना है जो गलियां आवाम ही नहीं होनी तो आवाम नहीं तो साडा कम कितों चलेगा इस वजह तो जितने भी बंदे जिहड़े इस जो देने एक्सटेंशन उन्होंने साल की दी है मेरे ख्याल तक जितनी देर तक नहीं होंगी ये साल डेढ़ दो होर वधानी चाहिए ताकि आवाम वास्ते या टैक्सी सैक्टर दोस्तों वास्ते सहूलत पैदा हो ताकि वो मजीद बोझ थले ना दबण अच्छा दसो कि पेद्रो सांचेस ने ऐलान किया करफ्यू का अप्रैल तक का उन्हें ऐलान किया क्या अप्रैल तो मजीद भी अगे जा सकता है या ये जी सूरत हाल बंदी जा रही है राती 10 बजे उन्हें आख्या करफ्यू होगा सुबह 6 बजे तक ये सूरत हाल तो मजीद गंभीर होगी टैक्सी सैक्टर वास्ते बिल्कुल जी पहली तो गल जदों रात का करफ्यू का ऐलान किया पेद्रो सांचेस की तरफों टैक्सी सैक्टर नहीं बल्कि पूरी जितने भी बिजनेसमैन या आम आवाम है वो बड़ी मायूस हुई है इस चीज़ तो कि ये स्पेन ही तो कहा जा रहा कि दिसंबर तक इन्हों को अदवायात जी वैक्सीन आ गई है लेकिन जनवरी तक दिसंबर लै ली इन्हें जा पहुँचाइए जनवरी तक लाना शुरू कर देंगे लेकिन अगर वो अदवायात आ गई ने तो उसके बावजूद मई तक या अप्रैल तक करफ्यू का कोई तुक नहीं बनता हाँ तो आवाम बहुत मायूस है इन्हों हालात बेहतर हो जाते हो सकता पहले भी खत्म हो जाए लेकिन हालात कोई बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे पता नहीं ये पिछले कड़ी हूँ एड्डी मेरे हाज तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ने जो असं तुम्हें भी मशकूक सानू भी आने तो शुभात है तुम्हें भी आने लेकिन उसके बावजूद हूँ फिर क्या करिए ज़्यादा गवर्नमेंट के आर्डर्स होंगे इन्हें मनना पैंता है उन्होंने फॉलो करना पैंता सानू लेकिन अच्छा दसो कि किन्ने लोग ने पाकिस्तानी टैक्सी सैक्टर पाकिस्तानी अलहमदुल्ला 3,000 के करीब पाकिस्तानी ने जिन्हें तकरीबन 1,200 से 1,500 के दरमियान जो जाती टैक्सी जिन्होंने अपनी जाती खरीदी हुई वो ने ते एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी जो टैक्सी सैक्टर के अलहमदुल्ला 20-30% ने बाकी जितनी भी शहरीयत ने उन्हें सब तो ज़्यादा पहले नंबर देना इस तरह मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट नहीं ये सारे बिलियन मिलियन मिलियन यूरो दी क्योंकि 1.5 लाख रुपया तकरीबन जितने भी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जाती टैक्सी खरीदी है वो तकरीबन राउंड अबाउट 150,000 यूरो की खरीदी है तो ये ज़ाहरा काफ़ी जी बिलियन मिलियन की जी यूरो का नुकसान होंगे तो माशाल्लाह साढ़े दोस्त जिस तरह तुम हो आतम गोंदल साहब ने सरफराज मेहंदी साहब ने मैं इन्हों का बड़ा मशहूर हाँ कि तुम हूँ यंग जनरेशन अगे आके तो लीड कर रहे हो अच्छा शबाल भी ये दसो कि प्राइस बड़ी डिग पई है टैक्सी सैक्टर की 1,00,000 यूरो 1,07,000 की टैक्सी आ गई है जेड़ा जिस तरह बुहरान चलता है जिस तरह अप्रैल का ऐलान होया मजीद प्राइस डिगन दी उसकी वजह सब तो पहला तो मेन चीज़ है कि बैंकों चो कर्जा नहीं मिल रहा उस तो अलावा हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ नहीं आवाम मायूस हो रही है जिस तरह गवर्नमेंट के ऐलानात आ रहे हैं करफ्यू दे या दूसरे आवाम बहुत मायूस हो रही इन्हों चीज़ों को और ज़्यादा जो बंद ने टैक्सी बेचनी है या जिन्हों की खुबिलासी ना आ गई उन्हें टैक्सी तो बेचनी बेचनी है इस वजह तो वो प्राइस अगर गाहक मिल नहीं रहा तो प्राइस ऑटोमैटिकल डाउन हो रही बल्कि प्राइस लाख तो भी थले आ गई 95-80 तक भी अगले दिन आसिम गोदल साहब ने मेरे दोस्त ने साढ़े सैक्टर के बड़े मुतहरक साथी ने और इन्होंने ये दस रहे कि एक बंदे ने 85,000 तकरीबन 1,50,000 यूरो तक अचानक 1,50,000 एक दोस्त उन्हें 1,68,000 भी ली थी गड्डी लेकिन हूँ जोड़ा ना अपना प्राइस काफ़ी थले आ गई है एक दोस्त लई है उन्हें 7 नंबर लई है तो उन्होंने 80,000 उन्हें आख्या तो लेकिन उन्हें आख्या कि मैं 75,000 तो ज़्यादा नहीं लैनी
ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਆਸਮ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਸਰ ਬਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਸਰ ਬਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 160,000 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਹਰਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 80-90,000 ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਹਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਸਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਨ ਯਾਸਰ ਬਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ 160,000 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 160,000-170,000 ਯੂਰੋ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਚਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕਾਨਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੈਸੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦੇਮੀਆਂ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਡਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਤਾਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ 10,000 ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ VTC 6,500 ਜਾਂ 6,500 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਫ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਲਣਾ ਸੁਫਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10,000-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬੂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇਕਾਨਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵੇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਵੇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਇਹਤਜਾਜ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰਾਓ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
उस तो बाद यह कि तुहाडे जिहड़े अखराजात ने वह पहले की तरह सेम ने, लेकिन तुहाडी इनकम जिहड़ी है वह 20% ते आ गई है। 100% की जगह से 20% ते तुहाडी इनकम पहुँच चुकी है। इस गल वास्ते टैक्सी सैक्टर सारा इकट्ठा हो के इत एहतजाज वास्ते है कि गवर्नमेंट साडी किसी किस्म की हैल्प करे, साडी जिहड़ी सोशल सिक्योरिटी है उन्हूं वाकई सिक्योर करन, ना कि सोशल सिक्योरिटी के नाम से टैक्स लेंदे रहन और सानू सिक्योर करें। अच्छा दसो कि मोराटोरिया जिहड़ा है, मोराटोरिया तकरीबन दोस्तों का खत्म हो गया जी, और दोस्त तुसी की चाहते कि मोराटोरिया तुहानू एक्सटेंशन दी जाए? मेरा ख्याल है कि जितनी देर लॉकडाउन की मतलब है सिचुएशन लंबी होती जाए, जितनी देर लंबी होती है उस तो बाद भी 6 महीने तक मोराटोरिया लगातार करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हो चुकी है इस तरह के मोराटोरिया भी लिया हुआ लोगों ने, उतु बैंक को पैसे लैके लोगों ने किस्तां भी अदा कीतियां ने, हुण जिस टाइम मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो लोगों के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, घटे नहीं हैं कहते ना, एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, लिहाजा मोराटोरिया कम से कम ही अप्रैल तो लैके तो अक्टूबर तक मजीद अगे लैके जाने, एक साल मजीद बढ़ाना चाहिए ताकि सैक्टर सर्वाइव कर सके। अच्छा दसो कि पेड्रो सांचेस ने ऐलान किया अप्रैल तक जड़ा उन्हें आख्या है कि पूरे मुल्क कर्फ्यू जड़ा ला दिता गया है, ये तो मजीद टैक्सी सैक्टर और बाकी जड़े ने मजीद सैक्टर बंद होने बुहरान पैदा हो। देखो जी बारसलोना में ओवरऑल तुसी जिस सैक्टर में भी देखो ना, तुसी कमर्शियल सैक्टर में देख लवो, तुसी टैक्सी सैक्टर में देखो, तुसी होस्टलिंग देखो, रेस्टोरेंट देखो, टोटल बंद हो गए ने, लॉकडाउन लग चुके हैं। अगे कम से कम 12 खोलियां सन, लोग जाते सी खाना खाते सन, एक थोड़ी जी सर्कुलेशन मूवमेंट है सी पैसे दी, लेकिन ज्यों दा नवे दोबारा लॉकडाउन लाया ने सर्कुलेशन पब्लिक दी रुक गई है, जदों पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी पब्लिक पैसा नहीं खर्चेगी सिस्टम डाउन हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स करेगा, इकानमी कोलैप्स करेगी। सेसे दी एक्टिविटी दे जिन्ने पैसे लोगों नूं मिल रहे ने, पहले तो कुछ लोगों जिहड़ा वो एक्टिव करवाया, कुछ लोगों एक्टिव नहीं करवाया, क्या वो ना गुजारा हो जाएगा टैक्सी सैक्टर जी? सेसे दे एक्टिविटी तो बिल्कुल इसे तरह ही है, मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है जी, बिल्कुल सेसे दे एक्टिविटी जी है वो पैसे बिल्कुल थोड़े ने, टैक्सी का जरा बंदा एक ओनर है या वर्कर है, टैक्सी के खर्चे इस तो बहुत ज्यादा जी, टैक्सी के खर्चे वो तो 70% ज्यादा ने, टैक्सी की रिपेरेशन देख लवो, किस्त देख लवो, गड्डी की किस्त देख लवो, उस बाद तेल तुम्हें पवाना है, तुम गड्डी की मेंटेनेंस करानी है, वो भी तो सिर्फ और सिर्फ गड्डी का तेल नहीं पूरा होंगे जी। बहुत शुक्रिया जी जवेद शाह साहब साढ़े नाल, इस टाइम असी सारे दोस्तों ने गल की है, ज्यादातर दोस्तों का यह ख्याल है कि मोराटोरिया दे विच गवर्नमेंट बैंक वाले ने गलबात करे तो मोराटोरिया एक्सटेंशन दी जाए। दूसरा जिहड़ी ज्यादातर दोस्त ये कह रहे हैं कि जिन्हें बंदियां क्योंकि इत्थे बारसलोना टैक्सी सैक्टर एक कानून है कि 10 साल बाद तुसी गड्डी जिहड़ी है हर सूरत नवीं पानी है। दोस्त ये कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान 1 साल की एक्सटेंशन मिली सी, दोस्त ज्यादातर दोस्त ये कह रहे हैं कि उन मजीद कम अज कम 1 साल जी मजीद एक्सटेंशन दी जाए। बहुत शुक्रिया आतर गोंदल नूं इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी है, रब राखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्पानिया जिंदाबाद, बारसलोना जिंदाबाद। करके ना तो जो कल तकरीर के बारे में बना कुत्ता।